कुछ जानने के बाद हम जो बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। कुछ नहीं कर सकते गौतम, कुछ नहीं कर सकते। ये सच कह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो एक एक करके हम सबको मार डालेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहाँ से बाहर निकलने का। कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हम फंस गए गौतम, हम पूरी तरह से फंस गए। हम बैठ के मौत का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते तो ऐसा कोई रास्ता ढूंढना होगा जिसकी जिसकी वजह से हम बाहर की दुनिया के साथ कोई संपर्क कर सके। तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब करने की कोशिश नहीं की? हम कब से ऑर्गेनाइजर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एक फोन था, वो भी बंद है, कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट, इस महल में फोन है? हाँ है, लेकिन डेड है। यही रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का। फोन अभी नहीं चल रहा तो शायद हम उसे ठीक कर सके। सब कुछ करके ले किया, कोई फायदा नहीं है। मैं कोशिश करे बिना हार नहीं मानने वाला। मुझे फोन दिखाओ, चलो। लेकिन करिश्मा, फोन दिखाओ, चलो चलो चलो। वो फोन नहीं चल रहा है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये लो फोन, देखो फोन चल रहा है। तो एक काम करो, ऑर्गेनाइजर्स को फोन लगाओ अभी, जल्दी करो। फोन नहीं लग रहा है, हम नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। फोन भी नहीं करिश्मा, फोन ट्राई कर रही है, फोन लग जाएगा। फोन लगा। हेलो राकेश स्पीकिंग। हेलो राकेश जी, मैं करिश्मा बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ करिश्मा? अरे हम लोग कब से तुमको ढूंढ रहे हैं, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। क्यों करिश्मा, क्या चुकी हो? बोलो ना उसे, भर चुकी। अरे करिश्मा बोलो ना उसे, क्यों करिश्मा जल्दी उसे मदद भेजने के लिए बोलो। सारी आत्मा यही है, अगर हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया तो ये लोग हमें मार डालेंगे। राकेश जी प्लीज हमें बचा लीजिए, इस महल में आत्मा है, प्लीज हमें बचा लीजिए, हम नहीं बचेंगे प्लीज राकेश जी। आत्मा है? अरे वहाँ पर कैसी आत्मा है? अच्छा ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। हाँ, जल्दी आइए प्लीज, प्लीज हम वेट कर रहे हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। चाहती है तेरा ड्राकी खेल खेल रहे हमारे साथ। हम ऐसे बाहर नहीं रह सकते, हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। चलो ऑर्गेनाइजर ने क्या कहा? ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वो जल्दी पहुंच जाएंगे, शायद आज रात ही। मैंने
इस कमरे को पहले कभी नहीं देखा। ये तो वही आत्मा है। इसका मतलब हम इन्हीं के कमरे में हैं। बस कुछ ही देर और ऑर्गेनाइजर्स हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। देखो बाबी, वो जरूर आएंगे। अभी अभी फोन पे बात हुई ना उनसे, वो आएंगे। गौतम, बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं हम यहाँ से बाहर कब निकलेंगे। देखो करिश्मा, देखो थोड़ा सब्र रखने की कोशिश करो करिश्मा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मुश्किल में हो, पर देखो तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही ऑर्गेनाइजर्स आएंगे मैं तुम लोगों को उठा दूंगा। कैसे आराम करेंगे तुम? चारों तरफ खतरा है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, उस सब जगह पूरे महल में चारों तरफ मुझे देखो जो होना है सो होना है। हम सबको हिम्मत रखनी होगी, पर मुझे यकीन है कि हम कुछ ही घंटों में यहां से निकल जाएंगे। देखो इधर आंख बंद करने की कोशिश कर, मैं यही दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। गौतम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, प्लीज। रोशनी देखो, सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बिलीव मी। अभी मैं थोड़ा आराम।
कहीं ऑर्गेनाइजर तो खेलोगे मेरे साथ? आओ ना, खेलो ना मेरे साथ, ये जंगल खेलो ना। क्यों खेलोगे नहीं मेरे साथ? खेलो 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 खेलो। करिश्मा कहाँ गई? वो यहाँ पे। Oh my God! अभी कुछ देर पहले तो यहीं सोई थी। कहाँ गई वो? करिश्मा। मैं उसे ढूँढना होगा। I hope she's okay. Come on, Kavi. करिश्मा। कैसे पहुंची? मैं तो नीचे कमरे में सो रही थी। Woo!
Thank you.
ये कमरा लाशों से भरा हुआ है। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो, 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 चलो। से बात करना होगा। हम यहाँ पे नहीं रह सकते। रोशनी, रोशनी, चलो, चलो। देखो देखो, हमें हिम्मत रखनी होगी। हम जो हार नहीं मान सकते। रोशनी, हमें कुछ भी करके हालातों से लड़ना होगा। हाँ, चल 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 चल। चारों तरफ पानी है और पानी में आत्माएं और वहां उस तरफ वो जंगल है जिसमें गांव वाले की आत्मा और वो भयानक जानवर है। थोड़ी देर महल के बाहर रुकते हैं। अगर वो आत्माएं बाहर आ गई तो देखो, मुझे लगता है कि शायद आत्माएं महल के बाहर नहीं आती हैं। और याद है तुम्हें कि करिश्मा ने कहा था कि आज रात तक ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे। पर अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था ना।
करिश्मा, आर्यन, बॉबी, करिश्मा, गौतम, ये उनकी आवाज है। ऑर्गेनाइजर्स आ गए। चलो। ये लोग महल के अंदर कैसे पहुंचे? वो सब छोड़ो गौतम, चलो। नहीं, महल में आत्मा है, हमें उन्हें यहीं से आवाज देनी होगी। हेलो, हम लोग बाहर हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? करिश्मा, बॉबी, आर्यन, अरे हम लोग बाहर हैं। मैं गौतम और मेरे साथ रोशनी भी है। हम लोग बाहर हैं, आप प्लीज बाहर आइए। हम लोग महल के अंदर हैं। आप लोग कहाँ हैं? आवाज दीजिए। अरे आवाज तो दे रहा हूँ, देखिए मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बंद हो गई। अगर वो हमें छोड़ के चले गए तो गौतम यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है। हमें अंदर जाना होगा, ऑर्गेनाइजर्स को ढूंढना होगा। ये आवाज तो यहीं से आ रही थी। बॉबी, सोच रहा, चलो। आवाज तो यहीं से आ रही थी। कहाँ गए? आर्यन, बॉबी। आवाजें हर जगह से कैसे आ रही है? समझ में नहीं आ रहा गौतम, कहाँ ढूंढने हैं ऑर्गेनाइजर्स को? बॉबी, आर्यन, दूसरा पे, चलो। हमने आपको पूरे महल में ढूंढा। थैंक गॉड आप मिल गए। आपके रियलिटी शो के सारे कंटेस्टेंट्स मर चुके हैं, सिर्फ हम दोनों हैं। हमें यहां से कुछ भी करके निकालिए प्लीज। तो वही है। गौतम, गौतम चलो यहाँ से। हेलो, सोच रहे थे कि फोन चल रहा है। इसका मतलब वो आवाजें उन आत्माओं की थी। ऑर्गेनाइजर्स नहीं आ रहे। मैं कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा।
इसके और कोई रास्ता नहीं दिखता, हमें बाहर निकलने का, हमें देखना ही होगा। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।